Actress Sareen Chawla, who made a big screen debut with erotic thriller Hate Story 2, says there is no comparison between her and porn star Sunny Leone. Watch the interview and find out the reason. अभी ये कंपटीशन क्या है ना, ये लोगों के दिमाग में ही कुछ कंपटीशन होता है. मैं बिकिनी अपनी वेकेशंस पे भी पहनती हूँ, तो मेरे लिए ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही नहीं है. एक्चुअली बहुत मैटर ऑफ फैक्ट है. जैसे हम जब हम सोते हैं तो नाइट सूट पहनते हैं, जब हम किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कुछ अच्छा सा इंडियन पहन लेते हैं, वैसे ही आई थिंक बिकिनी पहनना. पूल में जाएंगे तो जीन्स और टी शर्ट में तो जाएंगे नहीं, आपको एक एप्ट अटायर पूल का पहनना पड़ेगा. तो आई थिंक बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है जिसको हम लोग इंडियन मीडिया वाले बहुत बड़ा बना देते हैं. आई थिंक ग्लैमर वर्ल्ड है और स्पेशली कंपैरिजंस करना मेरे दिमाग में नहीं है, आई एम श्योर सनी के दिमाग में भी नहीं होगा. ये सब कंपैरिजंस आप लोग थोड़ा सा मसालेदार खबरें बनाने के लिए कर देते हैं, बट एज सच कुछ भी कंपैरिजन वाली बात ही नहीं है. शी इज एब्सोल्युटली हॉट, मैं खुद बोलती हूँ वो बहुत 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 हॉट हैं. वो बिकिनी पहने या वो एक सिंपल सी ड्रेस पहन ले, वो बहुत हॉट हैं, तो कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है. Sareen, who was present at an event in Mumbai, also talked about when she is signing her second film. जी अभी तो फिलहाल मैं डिसीजन मेकिंग टाइम होता है जहाँ आप स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं. कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो मैं पढ़ रही हूँ अभी, लेकिन क्या होता है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की एक इंसान की एक टेंडेंसी है कि जो अगला स्टेप होता है वो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. जब हेट स्टोरी 2 मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म थी, उसकी रिलीज से पहले हेट स्टोरी 2 मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी. अब जब सेकेंड फिल्म की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, तो वो सेकेंड फिल्म कौन सी है, क्या है, क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, क्या सेटअप है, क्या रोल है मेरा, क्या स्क्रिप्ट है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और बहुत अहम एक आई थिंक डिसीजन है, बिकॉज ऑफ विच मैं थोड़ा सा पेशेंटली और टाइम लेकर ये डिसीजन लेना चाहती हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू रश इन टू एनी थिंग. लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हैं एंड मैं पूरी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को लिव अप कर सकूँ. तो इसलिए आई एम जस्ट टेकिंग माई टाइम. जैसे ही कुछ अच्छा मैं लॉक करूँ तो सबसे पहले ऑफकोर्स आप लोगों को खबर होगी.